अगर ब्रह्मा भोजन की बात करें तो हम लगाते किसको है, ये भोग हम किसी किसको लगाते, पहले तो ये निश्चय हो कि हम शिव बाबा को लगाते हैं। लेकिन शिव बाबा भोजन को सूक्ष्म वतन में किस तन से स्वीकार करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे राजे लोगों को, राजा का बगीचा है, राजा का फूल है, माली ने संभाला है, लेकिन अगर माली एक फूल लेके राजा के पास जाए तो बख्शीश में लेके आएगा कि नहीं लाएगा? राजा ऐसे लौटा देंगे। अगर बालिन दही की कुलिया लेके जाए, छोटा सा कुल्लड़, उसको भी बख्शीश में हीरे मोती मिलते हैं। तो ब्रह्मा भोजन शिव बाबा खाएंगे नहीं, लेकिन बाबा के निमित्त बनाया तो ब्रह्मा तन से देखेंगे कि नहीं, संकल्पों से स्वीकार करेंगे कि नहीं, मेरे लिए बना है। और उसमें जो बाबा दृष्टि भरेंगे, जो वेब्स डालेंगे, उसमें जो बाबा की दृष्टि का जो रेस का हो, वाइब्रेशन का हो, वो कितना पावरफुल होगा तो खाने वाले का अंतःकरण कितना अच्छा होगा। तो बाबा को वतन में भोग लगाएंगे तो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? शिव बाबा है। सारी सृष्टि का रचयिता शिव बाबा है। जैसे आप बीज में अगर पानी डालें तो सारे वृक्ष को मिल जाएगा, केवल बीज को पानी नहीं दिया है, पूरे पेड़ को पानी दिया है। पत्ते पत्ते को धोएंगे तो जड़ में पानी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जिक्र थोड़ा सा भागवत में भी आता है कि जब सुदामा दो मुट्ठी चावल लेके गए थे, लेकिन उन्होंने संकोच के बस दिया नहीं था श्री कृष्ण, दे दिया था कि लाए आपके लिए भेंट, उन्होंने जबरदस्ती लिया था और ले करके स्वीकार किया था। तो उसके बदले में क्या दिया? सोने की दुनिया, सोने के महल। तो दो मुट्ठी चावल के बदले दिया। तो चित्रगुप्त आए अपना फरियाद करने कि भगवान आप तो विधि के विधाता हैं, आपने ये भूल की है, विधान को तोड़ा है, तो आम जनता तो पहले उसका उल्लंघन करेगी नियम का, क्या क्या किया है। कहा देखो ये लिखा हुआ है ना सुदामा के जीवन में दरिद्रता, आपने कुबेर जैसी धनराशि दे दी, तो ये आपने नियम को तोड़ा है ना। बोले नहीं, फिर से ध्यान से देखो। तो फिर देखा का नहीं, देखो इसमें लिखा है श्री क्षय, श्री माना संपत्ति, क्षय माना नष्ट, तो गरीबी तो हो ही गई, तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझ त्रिलोकीनाथ को सुदामा ने दो मुट्ठी चावल दिया, मैंने स्वीकार किया, तो तीनों लोगों ने भोजन किया, बीच में पानी पड़ा तो पूरे वृक्ष को मिला, तीनों लोगों ने भोजन किया। तो एक ब्राह्मण को जिमाने से तो पुण्य बनता है, दस को जिमाने से पुण्य बनता है, और जो तीनों लोगों के प्राणियों को भोजन करा दे उसका कोई पुण्य नहीं है। और वहां तो चुप हो गए। तो कहा देखो श्री अपनी जगह है, केवल छा को दाहिने हाथ कर दिया और या को बाएं हाथ पे कर दिया, तीनों अक्षर है, ना घटाया ना बढ़ाया, अब पढ़ो क्या होगा। अब श्री छह से यक्ष हो गया, अना कुबेर जैसी धनराशि, तो जो तीनों लोगों को भोजन कराए तो अक्षर भी इधर से इधर किया, तो क्या हमने चेंज किया, ना एक घटाया ना एक बढ़ाया। तो उसका जरूर है कि हजार गुना क्या करोड़ गुना, लोग कहते हैं एक देवे दस पावे, लेकिन नहीं, बहुत होता है। भोग लगाना है, आप लोग भी बैठे, गौर सुन।